क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड विद इट्स एंड पोल टुवर्ड्स ए क्लोज्ड कॉयल द नियरर एंड ऑफ द कॉयल एक्ट एज, बोल रहा है कि जब एक मैग्नेट को हम मूव कर रहे थे, मतलब एक मैग्नेट है इज मूव्ड विद इट्स एंड पोल, मतलब एक मैग्नेट है उसका एंड पोल सामने रख कर और उसको मूव करा रहे हैं किसके तरफ, एक कॉयल की तरफ, तो जो नियरेस्ट एंड है कॉयल का वो कैसे एक्ट करेगा, जैसे फिगर बना के दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट मान लेते हैं ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ठीक है, और इस मैग्नेट को हम मूव मान लीजिए मूव करवा रहे हैं इस, मतलब इस साइड, तो यहाँ पर एक कॉयल रखा हुआ है, ये आपका कॉयल है, ठीक है, तो ये आपका एक कॉयल है, इसको हम लिख देते हैं ये आपका कॉयल है और ये आपका मैग्नेट है जिसको हम नॉर्थ पोल सामने रख के कॉयल के तरफ रख कर इसको मूव करवा रहे हैं, कॉयल की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये आपका प्रोड्यूस होता है नॉर्थ पोल से एंड होता है साउथ पोल पे, ये प्रोड्यूस होता है नॉर्थ पोल से एंड होता है साउथ पोल से, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा और जाके फिर किससे लिंक हो रहा होगा, कॉयल पे लिंक हो रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम फिर कॉयल में क्या करते हैं, कुछ टर्न लगा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में जब मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक ये लाइन जो है मैग्नेटिक लाइन मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइन जो इस कॉयल से लिंक होगा, तो इस कॉयल में कुछ क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूज होगा, इसको मानने के लिए वोल्टेज भी लगा देते हैं, तो जो ये मैग्नेट है इससे जो मैग्नेटिक लाइन निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये इससे कॉयल से क्या करेगा, लिंक करेगा, लिंक करेगा तो इसमें जो कॉयल है उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूज होगा और जिसके कारण हमारा वोल्टेज इंड्यूज होगा, तो करंट इंड्यूज होगा, करंट इंड्यूज हमारा कुछ इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं कि इंड्यूज हो रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में क्यों इंड्यूज होगा, क्योंकि जो मैग्नेट मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो जो ये कॉयल में करंट इंड्यूज होगा उसके कारण जो इसमें वोल्टेज इंड्यूज होगा करंट के थ्रू, तो वो करंट क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कॉयल में, अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड कॉयल का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है उसको क्या करे, अपोज करेगा, अपोज करने के लिए तो इसका मतलब है कॉयल का जो पोल होगा, कॉयल में जो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो भी यहाँ पर अपोज करने का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि लाइक पोल जो होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल इच अदर, और अपोजिट पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यही जानते हैं हम लोग कंसेप्ट। तो यहाँ पर भी कॉयल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा फील्ड आ रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसी तरफ कॉयल का भी नॉर्थ पोल होगा, तभी तो वो क्या करेगा, यहाँ पर भी हमारा नॉर्थ पोल होगा तो वो क्या करेगा, इस मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है उसको अपोज करेगा और इधर हो जाएगा साउथ पोल कॉयल का, ठीक है। अगर हम थ्योरी आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से कि बाय लेंज लॉ, लेंज लॉ के द्वारा क्या जानते हैं,
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल विल बी सच सो एज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या लिखे, अगर हम लेंज लॉ के द्वारा देखें जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का कॉयल में, वो इस तरह से होगा, मतलब कॉयल विल बी सच सो एज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो कॉयल में जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, डैट अपोजेस द इंक्रीज इन फ्लक्स लिंकेज द कॉइल। और ये जो कॉइल में करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, जो मैग्नेट के द्वारा जो फ्लक्स आ रहा है, जो लिंक कर रहा है, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो ये अपोज करेगा जो कॉइल के द्वारा जो करंट, कॉइल में जो करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो अपोज एक ही केस में कर सकता है जब, नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं, एक ही केस में कर सकता है, ये पॉसिबल तभी है जब अपोज कर सकता है कि दिस इज पॉसिबल ओनली, ये पॉसिबल तभी होगा सिर्फ ओनली इफ द नियरर एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज नॉर्थ पोल। किसका, कॉइल का जो है, जो मैग्नेट के मुंह की तरफ जो फेस है, उसका भी पोल कैसा हो, नॉर्थ पोल हो। जैसे ये मैग्नेट था तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है उसको अपोज करने के लिए जो हमारा कॉयल है उसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। जब यहाँ उसके एकदम सामने वाला फेस का भी नॉर्थ पोल होगा तभी कर पाएगा। ठीक है, तो ये केस होता है। तो हमारा, आपको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट अगर लगाना है तो हो जाएगा क्या, नॉर्थ पोल। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 82 पर हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉइल ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर हैज 600 टर्न्स, मतलब एक वायर का, एक वायर का कॉयल है, ठीक है, और उसका कॉयल का जो वायर का जो कॉयल है उसका रेडियस आर है, और उस वायर का जो कॉयल है तो कॉयल में टर्न्स कितना है, 600 टर्न्स है, एंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 108 मिली हेनरी, और उस कॉयल का अपना जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ए 108 मिली हेनरी है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सिमिलर कॉयल ऑफ 500 टर्न्स विल बी। तो उसी सेम तरह का वायर का कॉयल है और उसका सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब सिमिलर कॉयल का दिया हुआ है अगर 500 टर्न, तो उसका आपको बताना है कि उसमें नहीं, उसमें आपको बताना है सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, अगर उसी सेम कॉयल का नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया जाए, 500 कर दिया जाए, 600 से 500 कर दिया जाए, तब बताना है कि उस कॉयल में क्या हो जाएगा उसका सेल्फ इंडक्टेंस। अब
इस केस में जब हम नंबर ऑफ टर्न्स घटा दे रहे हैं। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या है, पहला केस बोला है एक कॉइल है जिसमें रेडियस आर है, और उसका फर्स्ट केस में अगर हम फर्स्ट केस ऐसा लिख दे तो हम लिखते हैं फर्स्ट केस, ठीक। इसमें जो हमारा फर्स्ट केस में कि एक कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं N1, तो वो आपको कितना दे रहा है, 600 टर्न्स दे रहा है, ठीक है। और उसी समय फर्स्ट केस में उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना दे रहा है, 108 मिली हेनरी दे भी रहा है, ठीक है, इतना दे रहा है। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें गिवन, अगर हम मान लेते हैं सेकेंड केस, अब हम क्या किए हैं उसी सेम कॉइल मतलब वायर से जो कॉइल बना हुआ है उसका नंबर ऑफ टर्न मानते हैं कि आप कुछ घटा दिए हैं, कितना कर दिए हैं, 500 टर्न्स कर दिए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इस केस में आप इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिली हेनरी में ही बताना है। तो ये यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, जब हम उसका नंबर ऑफ टर्न्स को सेम वायर से कॉइल बना हुआ और उसके नंबर ऑफ टर्न्स को लेकिन आप कम कर दिए हैं, तो उसमें आपको बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस का मान क्या हो जाएगा। तो इसको बताने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला पहले जानेंगे रिलेशन कि वी नो डैट। क्या फॉर्मूला जानते हैं कि एल जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस बराबर होता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया यू नॉट न्यू आर और डिवाइडेड बाय एल। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमको रिलेशन चाहिए कि एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ये, ठीक है। ये चीज ही बस हमको काम आएगा। तो ये है, अब दोनों केस के लिए ये लगा देते हैं फॉर्मूला। तो देखिए तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ अच्छा ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो अगर हम फर्स्ट केस के लिए देखें तो हमारा अगर हम फर्स्ट केस के लिए देखें तो इस फॉर्मूला में रखे तो L1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, N1 का स्क्वायर होगा। और दूसरे केस में देखे तो L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 का स्क्वायर। और इस टू इक्वेशन को वन इक्वेशन से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, L2 डिवाइडेड बाय L1, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मान सकते हैं तो लिख सकते हैं कि N2 डिवाइडेड बाय N1 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब खाली मान रखते हैं इस तरह से। तो हमने क्या फॉर्मूला ले आया, L2 और L1 इक्वल टू N2 N1 डिवाइडेड बाय मतलब करके इसका स्क्वायर। तो L2 हमको तो निकालना है, L1 आपको कितना दिया हुआ है, 600, नहीं 600 नहीं दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है 108 इक्वल टू N2 कितना माने 500, और ये है 600 का स्क्वायर। तो L2 बराबर 108 इक्वल टू इस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बचा 5/6 का स्क्वायर। तो 5/6 का करते हैं स्क्वायर तो 25, और ये नीचे 36। तो L2 बराबर क्या आ जाएगा, 25/36 गुना, और इधर 100 को ट्रांसफर कर दिए। तो L2 बराबर अब हमारा यहाँ से 36 से 108 को काट देते कितने बार में,
तीन बार में, तो 25 गुना में 3 होगा, तो इसको जब गुना करेंगे तो 15, 6, 7 इतना मिली हेनरी। तो L2 का मान यहाँ से मेरा निकल गया इतना। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं था, बस दो केस दिए हुए थे कि पहले केस में कॉइल का कुछ नंबर ऑफ टर्न है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कुछ और है, सेकंड केस में उसी सेम वायर का कॉइल बना हुआ है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को घटा दिए हैं तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस का मान पूछ रहा था। तो जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ये है, उसमें से हमको सिर्फ इंडक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में रिलेशन चाहिए, तो ये बना। उस रिलेशन के आधार पर हमने फॉर्मूला एक डेवलप किया और उसको बस फॉर्मूला में रखकर ये आपका सॉल्यूशन L2 का मान आ गया सेल्फ इंडक्टेंस सेकेंड केस में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कॉयल्स एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड इन अ सर्किट सच डेट ए करंट चेंज बाय 2 एम्पियर इन कॉयल एक्स एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ऑफ 0.4 वेबर अकर्स इन द कॉयल वाई देन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉयल इज। कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास दो कॉयल है, एक्स है और वाई है, और दोनों किसी सर्किट में रखा हुआ है सच डेट, जिस कारण से क्या हो रहा है कि उसमें करंट चेंज हो रहा है 2 एम्पियर किसमें, कॉयल वन में, मतलब एक्स कॉयल में करंट चेंज हो रहा है 2 एम्पियर, जिस कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज जो है वो हो रहा है 0.4 वेबर अकर्स इन द कॉयल वाई में, तो इस कारण से म्यूचुअल इंडक्टेंस सेटअप होगा दो कॉयल में क्योंकि वहाँ करंट चेंज हो रहा है फर्स्ट कॉयल में, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप जरूर होगा। तो वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी दिया हुआ 0.4 वेबर चेंज हो रहा है कॉयल वाई में, जिसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा दोनों कॉयल के बीच में ये बताना है। तो सॉल्यूशन है कि हम दो कॉइल बना लेते हैं, एक ये दूसरा कॉइल, मान लीजिए ये एक्स कॉइल है और ये वाई कॉइल, और इसमें पहला कॉइल में करंट दे देते हैं जो चेंज कर रहा है उसका मान है कितना 2 एम्पियर, इस कारण से इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है, इसका भी मान दिया हुआ 5 और किसमें कॉइल 2 1 में हो रहा है, मतलब एक के द्वारा, मतलब है इसमें कॉइल 1 में जो एक्स कॉइल है उसमें करंट चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेटअप हो रहा है वाई में वो इसे दर्शाते हैं 2 1, तो इक्वल टू इसको मतलब 1 मान सकते हैं हम और इसको मान रहे हैं हम 2 नंबर, तो इसलिए एक के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल बी में हो रहा है वाई में सेटअप हो रहा है जिसको हम 2 मान रहे हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो वो कितना दिया हुआ है 0.4 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल के बीच में होगा, इस कॉइल के कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल के बीच में सेटअप होगा इसी का मान आपको निकालने बोल रहा है इसमें हेनरी में। तो कुछ नहीं, क्या है वी नो डैट, हम लोग जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस तब क्या होगा, एम बराबर पाई चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू करंट, यही है फाइव फाइव बाई आई, तो यहाँ से फाई का मान 0.4 और आई का मान कितना है 2 एम्पियर, यहाँ से डेसिमल उड़ा दिए तो नीचे 10 बन गया, 2 से 4 काट दिए 2 बार में, तो एम बराबर क्या गया 2/10, डेसिमल में बदल देते हैं तो 0.2 और यूनिट लगा देते हैं तो हेनरी, तो हमारा आ गया कि एम का मान कितना आया 0.2 हेनरी, ऑप्शन आपका यहाँ से राइट है 4।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 84। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड इंडक्टेंस 5 हेनरी हैज बीन कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट बैटरी, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल इज। बोल रहा है कि एक कॉइल है और उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, जैसे सॉल्यूशन देखते हैं। एक कॉइल है जिसका गिवन है रेजिस्टेंस 20 ओम और इंडक्टेंस 500, और इसका इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 5 हेनरी। हैज बिन कनेक्टेड है, उसको कनेक्ट कर दिया गया कितना से, बैटरी सप्लाई से। यहाँ से लिख देते हैं वोल्ट, मतलब बैटरी सप्लाई मतलब वोल्टेज लिख देते हैं, वो आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट्स। तो इस दौरान बताना कि उस कॉइल में एनर्जी स्टोर कितना होगा। तो एनर्जी स्टोर को हम दर्शाते हैं यू से। तो आपसे पूछा है कि यू क्या होगा, ठीक है, जूल्स में यूनिट होता है ये बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कैसे, कि हम लोग फॉर्मूला एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, वी नो डैट एनर्जी स्टोर क्या जानते हैं, यू बराबर इंडक्टेंस के थ्रू जो एनर्जी स्टोर होता है, यू बराबर क्या जानते हैं, हाफ एल आई का स्क्वायर। तो यहाँ पर आई का कुछ तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा कि यू बराबर हाफ एल, और आई के लिए क्या लिख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ वी बाय आर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा वी बाय आर, और आई पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यू इक्वल टू हाफ एल कितना है 5, ठीक है, और वी कितना है आपका 100, और आर कितना है 20 का होल स्क्वायर। ये 1 0 से 1 0 खत्म, और 2 से ये 5 बार में खत्म। तो क्या आया, यू बराबर हाफ 5, यहाँ से भी बचा 5 का स्क्वायर। तो मेरा यहाँ से आएगा यू बराबर हाफ गुना में 5 गुना में 25, ठीक है। तो यू बराबर हाफ गुना में 25, और 5 को गुना करें तो 5 और 2 बचता है तो 10 12। तो यू बराबर कितना होगा, 125 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2.5 जूल्स हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर देखिए यहाँ पर है, बस कुछ नहीं था, सारा वैल्यू आपको दिया हुआ था, और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला इंडक्टेंस में ये होता है, बस लगाया और निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 में आ गए। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर कॉयल, मतलब कॉयल है किस तरह का, स्क्वायर कॉयल है, और उसका एरिया दिया हुआ है कितना, 10^-2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉयल है, कॉयल कैसा है, तो स्क्वायर है शेप में, और स्क्वायर है तो उसका एरिया दिया हुआ है 10^-2 मीटर स्क्वायर, और इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उस कॉयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा रखा जा रहा है, परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका भी वैल्यू दिया हुआ है 10^3 टेस्ला। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल, तो उस कॉयल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा। तो सॉल्यूशन ये है कि मान लो कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है,
तो ये हमारा बी है, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसे जाएगा ना, यहाँ मान लो कि हमारा स्क्वायर बॉक्स रखा हुआ है, मतलब कॉइल स्क्वायर से ये परपेंडिकुलर ऐसे से टकराएगा तो 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन जब कॉइल इसे पास करेगा तो ऐसे पास कर जाएगा, तो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में तब कैसा थीटा कितना बन जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बस हो गया, यहाँ से तब हमारे पास गिवन डाटा देख, गिवन क्या है, एरिया दिया हुआ है स्क्वायर कॉइल का 10^-2 m², ठीक है। और यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10^3 टेस्ला। ये सब मान है और निकालने बोल रहा है क्या कि कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू बता देना आपको वेबर में। तो बता देते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए होता है। तो फाई बराबर डॉट हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से फाई बराबर बी, अच्छा मान रखते हैं, तो बी का मान है 10^3 गुना में, एरिया का मान है 10^-2 गुना में कॉस, और थीटा मान है 0 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और इसका मान हो गया कितना, 1, तो 10^3 गुना में 10^-2 गुना 1, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, 10^3 डिवाइडेड बाई इसको पावर नीचे चल गए 2 को लेके, -2 को तो प्लस बन गया तो नीचे, तो यहाँ से 2 0s 2 0 खत्म, तो ऊपर बचा कितना, 1 0, तो इतना वेवर। तो फ्लक्स कितना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल्स के थ्रू जाएगा वो कितना जाएगा, 10 वेवर, ऑप्शन 1 राइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 86। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉयल इज बाउंड ऑन ए फॉर्मर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब एक कॉयल है जिसको लपेटा जा रहा है एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब एक रेक्टेंगुलर कोई भी सरफेस है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उस पे लपेटा जा रहा है कॉयल को। इफ ऑल द लीनियर डायमेंशन ऑफ द फॉर्मर आर इंक्रीज बाई ए फैक्टर 2, और बोलता है कि जो रेक्टेंगुलर जो हमारे पास जिस पे हम कॉइल लपेट रहे थे रेक्टेंगुलर सरफेस पे, अब उस रेक्टेंगुलर का प्रत्येक जो भी डायमेंशन होता है, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ ब्रेथ होगा डायमेंशन के रूप में, तो उसको 2 गुना 2 टाइम्स फैक्टर 2 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल रिमेन अनचेंज, लेकिन बढ़ा तो रहे हैं रेक्टेंगुलर का क्रॉस मतलब 2 फैक्टर से, लेकिन बोल रहा है यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ कॉइल का वो अनचेंज रखना है, उसको नहीं बदलना है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज बाय ए फैक्टर, तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस का मान बताना है कॉइल में इंक्रीज बाय फैक्टर, तो उस किस फैक्टर से चेंज होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन ये है कि क्वेश्चन कहना चाहता है अगर हम केस फर्स्ट लेकर चले, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई हमारा एक रेक्टेंगुलर, ये हम ले लेते हैं रेक्टेंगुलर कोई सरफेस है, ठीक है, जिस पे हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉइल को लपेटना चाह रहे हैं, ठीक है।
को इस तरह से लपेट रहा होगा। तो इस जो रेक्टेंगुलर सरफेस में जिस पे कॉयल हम लपेट रहे हैं, ये मान लो कॉयल है, लपेटे हैं, तो इसका डायमेंशन शुरुआती में ये 1 मीटर, ये 1 ब्रेथ भी 1, और मान लेते हैं कि इसका कहने मतलब इसको मान लेते हैं, मतलब अप्रॉक्स समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ऐसा, ये भी मान लेते हैं कि 1 1 मीटर और 1 मीटर, मतलब लेंथ और ब्रेथ को हम शुरुआती किसमें 1 मीटर मानते हैं, समझाने के लिए एक अप्रॉक्सिमेट डाटा ले रहे हैं, ठीक है, शुरुआती केस। तो ये हो गया। अब सेकेंड केस में आपको क्या बोल रहा है कि अगर हम जो फॉर्मर मतलब रेक्टेंगुलर जो ले रहे हैं फॉर्मर, उसका अब हर चीज क्या बढ़ा दे, 2 गुना बढ़ा दे, 2 टाइम्स, मतलब 1 था पहले उसको कर देते 2, ये मान लो 1 था उसको कर देते 2, तो कितना हो गया, 2 इक्वल टू 2, मतलब लेंथ और ब्रेथ भी कितना हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर लेंथ इक्वल टू ब्रेथ भी अब हमारा कितना हो गया, 2 मीटर के बराबर हो गया सब दोनों। तो इस पे अब जो हम कॉयल वाउंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कॉयल वाउंड करेंगे, तो उस कॉयल में वाउंड करेंगे, लेकिन कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किए बिना बाउंड कर दिए, तो सेल्फ इंडक्टेंस बताना है कॉयल में इंक्रीज होगा किस फैक्टर से। तो देखिए शुरुआती केस में मान लेते हैं इसके लिए कि आपको जो है, शुरुआती केस में मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्मर था, तो लेंथ भी हमारा मान लेते हैं कि एल था, और ब्रेथ भी मान लेते हैं हमारा बी था, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को मान लेते हैं कि हमारा एन था शुरुआती केस में, और एरिया भी करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर है तो एल गुना बी हो जाएगा। अब हम आते हैं इस केस में, तो यहाँ पर लेंथ देखा जाए तो लेंथ अब हम क्या कर रहे हैं, 2 गुना बढ़ा रहे हैं, लेंथ हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, सब कुछ 2 टाइम्स। अच्छा लेंथ किसका बढ़ रहा है, अच्छा लेंथ तो कॉयल का ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो बोला है कि चेंज नहीं करने, लेकिन यहाँ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर यूनिट लेंथ जो है, एक लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जब हमारा फॉर्मर रेक्टेंगुलर फॉर्मर 1 मीटर का था, तो 1 मीटर के लिए जो लेंथ की लंबाई मान लो उसके लिए एन नंबर ऑफ टर्न्स था, लेकिन अब हम क्या कहें 2 टाइम्स बढ़ा दिए हैं, तो 2 टाइम्स लेंथ के लिए अब क्या हो जाएगा, 2n नहीं हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, और लेंथ तो बढ़ ही रहा है फॉर्मर का तो 2l है, एन अब नया n डैश क्या हो जाएगा, 2n, एरिया क्या हो जाएगा, अगर l गुना b लेते हैं तो यहाँ पर देखो l कितना है 2, अब b भी कितना है 2, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा होगा। इसी अब डाटा से तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एल बराबर एन स्क्वायर ए न्यू नॉट न्यू आर बाय एल, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम मान लेते हैं केस 1 के लिए, क्योंकि केस 1 में सब कुछ नॉर्मल दिया हुआ, सब 1 1 यूनिट लेके चले तो यही, लेकिन जब हम सेकेंड केस के लिए देखते हैं तो नंबर ऑफ टर्न वहाँ पर क्या हो गया था, 2n टाइम हो गया पहले का, नहीं तो ऐसे फॉर्मूले ही बना देते हैं इसको भी, तो ये हम माने थे सेकेंड केस के लिए नंबर ऑफ टर्न n डैश को,
और एरिया मान लेते हैं ए डैश गुना न्यू नॉट न्यू आर डिवाइडेड बाय एल डैश। लेंथ को यहाँ दिखा देते हैं, एल डैश माने है ना, तो मान रखते हैं, तो एल डैश में मान रखेंगे तो एन डैश का मान कितना होगा, शुरुआती का इनिशियल का 2n हो जाएगा, एरिया हमारा 4 हो जाएगा और न्यू नॉट न्यू आर उसी तरह रहेगा और एल डैश हमारा 2l हो जाएगा। ठीक है, न्यू एल एल क्या होगा, 2 गुना होगा पिछले एल का, तो ये आ जाएगा केस सेकेंड से। अब हम एल डैश को एल वन से डिवाइड, मतलब एल से डिवाइड दे दें, तो ये हो जाएगा 4 का n² गुना 4 गुना न्यू नॉट न्यू आर डिवाइडेड बाई 2l और फिर एक डिवाइडेड कर देंगे, अच्छा डिवाइड नहीं करते हैं तो इसको ऐसे ही देखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, जिसको डिवाइड नहीं करते, चलो छोड़ दो, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो एल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 4n² 4 गुना न्यू नॉट न्यू आर बाय 2l, तो एल डैश बराबर यहाँ से यहाँ काट दोगे तो यहाँ बस चूज कर जाएगा और ये 2 इसको गुणा कर देंगे तो 8n² न्यू नॉट न्यू आर बाय एल हो जाएगा। एल होगा, अब देखो यहां से ये पूरा इतना ले लो, तो इसके लिए देखो तो यहां पर है, कहां गया, यहां पर देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक। अच्छा एरिया हम आप कितना ले रहे हैं, 2 2 ले रहे हैं सबका, इसका 2 गुना किए हैं, कितना लेंथ और ब्रेथ को ये तो 2 गुना किए हैं, तो 2 गुना यहाँ पर ऐसे होगा, ये 2 गुना लेंथ किए हैं 2 गुना ब्रेथ किए हैं, तो कितना हो गया 4 lb। तो यहाँ पर 4 lb को क्या ले सकते हैं, lb के लिए क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, तो ए, तो हमारा ए डैश जो निकला है न्यू एरिया जो निकला वो कितना 4a निकला है, 4 गुना पिछले का। तो यहाँ पर जो हम रखेंगे, यहाँ पर हमारा एरिया यहाँ पर जो रखेंगे यहाँ कितना आएगा, 4a आएगा, यहाँ आएगा 4a, तो यहाँ भी हमारा एक a आएगा, तो जिस कारण से आप इससे कंपेयर करो जो रेड ये वाला को इससे कंपेयर करो, तो हम क्या देख रहे हैं कि एल डैश बराबर 8 गुना उतना को हटा के केस वन में इतना के लिए हम क्या लिख सकते हैं एल, यहाँ लिख सकते हैं एल लिख सकते हैं। तो हमारा अब देखिए नया जो इंडक्टेंस है, जो फॉर्मर को 2 गुना 2 फैक्टर से बढ़ाए थे, तो इंडक्टेंस भी अब न्यू इंडक्टेंस क्या हो गया, पहले इंडक्टेंस से 8 गुना ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो ये आपको सॉल्यूशन इसका है इस क्वेश्चन के लिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, तो ये समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।